गुल्ली बुलिया स्टेशन पे आए हुए हैं क्योंकि आज शॉन कई दिनों बाद अपने नानी घर से आने वाला है। ये दोनों शॉन का इंतजार करते करते थक चुके हैं। गुल्ली कहता है कि भला और कितना टाइम लगेगा शॉन को आने में। अच्छा हुआ वो ट्रेन से आ रहा है, वरना तो उसको कई दिन लग जाते आने में। गुल्ली कहता है कि ये देखो एक ट्रेन आ गई, हो सकता है इसमें शॉन हो। और ये ट्रेन यहाँ पे रुक गई। अरे ये ट्रेन तो यहाँ से जाने लगी। गुल्ली कहता है कि ये भी ट्रेन शॉन की नहीं है। गुल्ली अगर मैं यहीं पे पड़ा पड़ा सो जाऊं तो मुझे उठा देना तुम। अरे ये इनकी ओर भागता हुआ कौन आ रहा है? गुल्ली कहता है कि अरे इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो? ये कहता है कि तुमने कोई ट्रेन देखी है क्या जिसपे खोपड़ी बनी हुई थी? गुल्ली कहता है कि अभी तक तो हमने ऐसी ट्रेन कभी नहीं देखी है। मुझे तो वैसे ये भी नहीं पता था कि ट्रेन पे खोपड़ी भी बनी होती है। कोई नई ट्रेन आई है क्या? ये आदमी कहता है कि तुम दोनों को नहीं पता है क्या, स्टेशन पे 10 बजे के बाद लोगों को खोपड़ी वाली ट्रेन दिख रही है और जो भी उसमें बैठ रहा है वो गायब हो जा रहा है। और कुछ दिनों पहले मेरा दोस्त उसमें चला गया था, उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो भी गायब हो चुका है। इसलिए मैं सभी स्टेशन पे उस ट्रेन को ढूंढ रहा हूँ और मेरे हिसाब किताब से पता चला कि आज वो ट्रेन इसी स्टेशन पे आएगी। बुल्ली कहता है कि इस ट्रेन के बारे में तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। गुल्ली कहता है कि बुल्ली वैसे शॉन भी काफी देर से नहीं आया है, कहीं वो भी इसी ट्रेन में तो नहीं चला गया? बुल्ली कहता है कि शायद इसीलिए शॉन अब तक नहीं आया है। गुल्ली कहता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये कहता है कि मेरा नाम गब्बर है, नाम तो सुना ही होगा। गुल्ली कहता है कि तो गब्बर तुम अपने दोस्त को कैसे बचाने वाले हो? तुम्हारे पास अगर कोई प्लान है तो हमें भी बताओ। गब्बर कहता है कि मैंने तो सोचा है कि मैं उस शापित ट्रेन में जाके अपने दोस्त को लेके बाहर आ जाऊंगा। बुल्ली कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है और अब हमें भी शॉन को बचाने के लिए उस ट्रेन में जाना ही होगा। गुल्ली कहता है कि गब्बर जब उस ट्रेन में जाने के बाद कोई आ ही नहीं पाता है तो तुम बाहर कैसे आ पाओगे? गब्बर कहता है कि इतना तो मैंने सोचा ही नहीं है, मुझे तो कैसे भी बस अपने दोस्त को बचाना है। उसने मुझसे 150 रुपये उधार लिए हैं और ये तो एक पुरानी सी ट्रेन आ रही है। अरे ये तो वही शापित ट्रेन है जिसका ये लोग इंतजार कर रहे हैं। गुल्ली कहता है कि ये तो बहुत डरावनी सी ट्रेन है गुल्ली, और भला इतनी बड़ी खोपड़ी ये लोग कहाँ से लाए, जरा देखो तो। गुल्ली कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है बुल्ली, ये ट्रेन वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी है। गब्बर कहते हैं कि बातें छोड़ो, इससे पहले ट्रेन चली जाए जल्दी चलो इसमें। और ये लोग अब इस ट्रेन में जाने लगे हैं। ये लोग उस शापित ट्रेन में चले गए हैं और यहाँ पे दूसरी ट्रेन आने लगी। अरे शॉन तो इस ट्रेन में था, इसका मतलब शॉन उस शापित ट्रेन में गया ही नहीं था और अब ये स्टेशन पे गुल्ली बुल्ली को ढूंढ रहा है, मगर इसे पता नहीं कि इसके लिए ही वो दोनों शापित ट्रेन में चले गए हैं। शॉन को यहाँ पे गुल्ली बुल्ली को ना देख के बहुत गुस्सा आ रहा है। शॉन गुल्ली बुल्ली को फोन करने लगा और बुल्ली ने इसका फोन उठा भी लिया। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम दोनों मुझे लेने क्यों नहीं आए हो? तुम दोनों ने तो मुझसे कहा था कि तुम लोग स्टेशन पे ही मेरा इंतजार करोगे। बुल्ली कहता है कि शॉन तुम स्टेशन पे हो क्या? हमें तो लगा कि तुम शापित ट्रेन में चले गए, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए हम भी इसमें आ गए हैं। शॉन कहते हैं कि तुम कह क्या रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और ये शापित ट्रेन क्या चीज़ है? बुल्ली कहते हैं कि शॉन तुम घर चले जाओ, हम जल्दी ही वहाँ आते हैं। शॉन बुल्ली की बात मान के घर जाने लगा। बुल्ली कहता है कि गुल्ली शॉन तो दूसरी ट्रेन में था और वो अब घर के लिए निकल चुका है। गुल्ली कहता है कि तो इसका मतलब हमारा काम पूरा हो गया है, चलो अभी शापित ट्रेन से उतर जाते हैं। गब्बर कहता है कि तुम दोनों मुझे छोड़ के जा रहे हो क्या? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों मेरी मदद करोगे। बुल्ली कहते कि घबराओ मत गब्बर, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। गुल्ली कहता है कि अगर तुमने कह ही दिया है तो मैं भी मदद करूंगा। बुल्ली कहता है कि वो सब तो ठीक है, मगर इस ट्रेन में कोई सीट क्यों नहीं है, ये तो पूरी की पूरी खाली है। गब्बर कहता है कि चलो जरा ये दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। बुल्ली दरवाजे को धक्का देने लगा। गब्बर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये दरवाजा जंग लगने की वजह से पूरी तरह से जाम हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी से भी खुलने वाला है। बुल्ली कहता है कि तो हम तुम्हारे दोस्त को ढूंढे कैसे, वो हमारे वाले डब्बे में तो है ही नहीं, जरूर वो आगे वाले डब्बे में ही होगा, ये गब्बर तो कहीं जाने लगा। गब्बर कहता है कि गुल्ली बुल्ली ये क्या चीज है,
देखने में तो कोई मजेदार सी चीज लग रही है मुझे। गुल्ली कहते कि गब्बर वो तो बस खोपड़ी का हिस्सा है जो कि बाहर ट्रेन पे लगी हुई है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे बटन या स्विच टाइप की चीज होगी जिससे ये दरवाजा खुल पाएगा। ये कौन सी जगह है और ये कौन पड़ा हुआ है यहाँ पे? और अब ये कौन है? ये तो इस आदमी को चाकू मारने लगा और इसके पीछे से तो और भी कोई डरावना सा आ रहा है। ये कहता है कि देखने से लगता है कि और भी इंसान आ गए हैं। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं उन्हें मार के ले आऊं क्या? ये कहता है कि नहीं अभी मुझे भूख नहीं है, मगर तुम जाके उनसे दोस्ती करो। इस इंसान को खाने के बाद उनमें से एक को पकड़ के ले आना तुम, क्योंकि ताज़ा ताज़ा इंसान खाने की बात ही अलग है। वैसे ट्रेन वाली चाल तो बड़ी कमाल की है। अब यहाँ खड़े खड़े सोने लगे हो क्या? जाओ उन्हें अपनी बातों में उलझाओ। तो दोस्तों अब क्या होगा इन लोगों का? क्या ये लोग भी अब पकड़े जाएंगे? और ये आदमी कौन है जिसको ये मारे जा रहा था? ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।